हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल। आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें तो इस चीज की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, ये जमाना डिजिटल हो चुका है। आपके साथ कब क्या हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस चीज से बचने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन आपके कब काम आ जाए। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चार तरीके से बताऊंगा, अगर आप उनको हमेशा दिमाग में रखोगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कभी भी हैक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तरीके की बात करते हैं, वो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से लिंक नहीं करना। बहुत सारे लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से लिंक करके रखते हैं ताकि उनका टाइम बच जाए, वो लॉगिन मेन में थोड़ा लपड़ा ये होता है ना, वो ना हो, जिसके चलते वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करवा लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसे हैक कैसे हो जाएगा। जैसे मान लो आप अपने फेसबुक अकाउंट को किसी ऐप्स में या वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए इनके लिए यूज करते हो, अगर वो कोई सस्पिशियस ऐप हुआ या किसी हैकर की वेबसाइट हुई, वहां आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है या आपके फेसबुक अकाउंट की डिटेल चली जाती है, तो हैकर को एक मिनट लगेगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने में। तो इसलिए कभी भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक अकाउंट से लिंक मत करके रखना। अगर आपने उन दोनों को लिंक कर रखा है तो अभी डीलिंक कर दो, हटा दो, दोनों को अलग अलग तरीके से लॉगिन किया करो। आपकी थोड़े टाइम के चक्कर से इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, सेकंड तरीके की बात करते हैं, वो है टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार हमें तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, हम क्यों इसको इस्तेमाल करें। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पता नहीं कब आपके साथ कोई ऐसे सस्पिशियस लिंक पे क्लिक हो जाए, कोई आपको टारगेट बना ले, तो इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन करके रखा करो। और इसको ऑन करना कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, सेटिंग में जाना है, वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसको क्लिक करना है, जो जो स्टेप बताते हैं उसको कर लेना है और आपका टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का फायदा ये रहेगा, जैसे मान लो आपका पासवर्ड किसी को पता चल जाता है, या आपका फ्रेंड हो, कोई हैकर भी हो, कुछ भी हो, तो वो चाहके भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तो उसको पासवर्ड लगाना पड़ेगा, फिर वो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है उसको पास करना होगा, तो वो उसको पास नहीं कर पाएगा और वो चाहके भी इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन करके रखा करो, चाहे वो आपके इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो या किसी भी अकाउंट का हो। तो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आपको हैक होने से बचा सकता है। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप में से ज्यादातर लोग तो बस सिंपल पासवर्ड रख देते हैं, कोई अपना मोबाइल नंबर रख देता है, सिंपल सा पासवर्ड लगाकर आप सोचते हैं कि आपका अकाउंट सेफ रहेगा, तो आप बहुत ज्यादा गलतफहमी में हैं, क्योंकि हैकर के लिए आपकी ये पर्सनल डिटेल वगैरह ये गेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया करो, ऐसा पासवर्ड लगाया करो कि आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो वो भी एक बार के लिए तो गेस नहीं कर पाए। तो इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को लगा के रखा करो, ताकि आपके अकाउंट की प्रोटेक्शन बढ़ जाए। अब चौथे तरीके की बात करते हैं, वो है फिशिंग एंड स्कैम। ज्यादातर लोगों के अकाउंट हैक होते हैं तो यही तरीके से होते हैं, क्योंकि हैकर हमेशा आपको लालच देके या फिर आपको टारगेट बना के आपका अकाउंट हैक करवा लेता है। आपको आपके डीएम में स्पॉन्सरशिप का या फिर किसी और चीज का लालच देके आपको ऐसी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक करवा लेता है और आपकी डिटेल निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चल पाता है। तो इसलिए हमेशा किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक मत किया करो, हैकर आपका एक मिनट में अकाउंट उड़ा ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज का ख्याल और रखना है, आपको डीएम में कभी भी अननोन लोगों से बात नहीं करनी है। वो अगर आपको सस्पिशियस लिंक भेजते हैं तो उन पे क्लिक नहीं करना है, अगर ज्यादा बार बार करते हैं तो ब्लॉक का ऑप्शन आता है, ब्लॉक कर दीजिए, एक बार में छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, यही नहीं, एक तरीका और है आपको ये फिशिंग और स्कैम में फंसने का। जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट या ब्लॉग पे कुछ पढ़ रहे हो, वहां पे आपको कोई भी एक्शन दिया जा सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जाओगे तो ये आप इस पोस्ट को एक्सेस कर पाओगे या ये फोटो वीडियो, तो आप क्लिक करते हो, आपको रिडायरेक्ट किया जाता है और वहां पे आपको एक फेक लॉगिन पेज दिया जाता है। आपको लगता है कि ये तो इंस्टाग्राम का ही है, लॉगिन कर लेते हैं, और आप जैसे आप आपकी डिटेल भरते हो तो हैकर के पास आपकी सारी डिटेल चली जाती है। इस चीज से बचने के लिए आप कभी भी रिडायरेक्ट होकर लॉगिन मत किया करो। अगर आपको लॉगिन करके कुछ देखना है तो इंस्टाग्राम का पर्टिकुलर ऐप है, वहां पर जो करना है कर लो, लेकिन बाहर से आपको रिडायरेक्ट करता है वहां कुछ मत किया करो। दोस्तों, आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।